हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कॉमनवेल्थ से रिलेटेड रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम अभी जस्ट ख़त्म हुआ था अप्रैल मंथ में। 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ये गेम चला था और इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा इस कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम दरअसल कॉमनवेल्थ वैसे सारे नेशंस का, वैसे सारे देशों का एक ग्रुप है जो कि कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहा था, ब्रिटिश एम्पायर से कभी इन्फ्लुएंस्ड रहा था। तो वैसे सारे नेशंस का बीच में एक गेम कराया जाता है ताकि उन लोगों के बीच में एक अच्छा सा कोऑपरेटिव एक माहौल रहे, एक अच्छा सा सहयोगात्मक जो है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशंस डेवलप हो। तो इस वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस तरह के कॉलोनी को प्रोत्साहित किया और कॉलोनी को एक साथ लाने की कोशिश किया। लेकिन ये पूरी तरह से मैंडेटरी नहीं है, मतलब इस पर ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चाहे तो कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ का पार्ट है, उसको छोड़ सकता है, उससे बाहर निकल सकता है और जब चाहे कॉमनवेल्थ का वो हिस्सा बन सकता है। जैसे इंडिया के लिए कभी कभी इस पे हमेशा क्लेम लगाया जाता है कि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का क्यों पार्ट है, क्योंकि जिस तरह से कॉमनवेल्थ का पार्ट है इसका मतलब ब्रिटिश जो है बार बार एहसास दिलाता है कि तुम कभी मेरे कॉलोनी रहे हो, मतलब इंडिया कभी ब्रिटिश का कॉलोनी रहा है। तो इस कारण बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स का कहना था कि इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट क्यों है। लेकिन फिर एक जगह पर ऐसा माना जाता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ का इसलिए पार्ट है क्योंकि ये सिर्फ वैसे नेशंस का एक ग्रुप ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारे एक डायलॉग प्लेटफॉर्म एक तैयार होता है जहाँ पे बहुत सारे देशों के बीच में एक अच्छा रिलेशंस डेवलप किया जाए और बातचीत किया जाए और बहुत सारे मुद्दों पे इसका मैटर, इस बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन होता है। और उसी का एक पार्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू ही जो बाकी जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जितने भी देश हैं वो सब के बीच में एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और एक अच्छा माहौल रहे। तो इसी के लिए कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज किया गया था। सबसे पहले 1930 में कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था एम्पायर्स गेम। उसके बाद 1950 में इसका नाम रख दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, और फिर 1978 में इसका नाम रख दिया गया कॉमनवेल्थ गेम। तब से इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम चला आ रहा है। इंडिया जो है 1934 में पहली बार भाग लिया था और उसके बाद से ये भाग लेते रहा। तो 18 बार इंडिया जो है अपना परफॉर्मेंस किया है कॉमनवेल्थ के प्लेटफॉर्म पे। और देखा जाए तो इधर 2010 में ये इंडिया जो है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज किया था और बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया था। इंडिया के लिए अगर बात करें तो इंडिया इस बार जो है, अगर 2010 से बात करें तो 2010 में इंडिया जो है 101 मेडल जीता था और सेकंड पोजीशन पर था, और उसमें 38 मेडल टोटल गोल्ड मेडल था, 38 गोल्ड मेडल था। लास्ट मेडल जो थी साइना नेहवाल जीती थी बैडमिंटन में, और उसके वजह से इंडिया जो थर्ड पोजीशन था वहाँ से सेकंड पोजीशन पर आ गया। उसके अलावा देखें तो 2014 में भी इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बहुत बुरा नहीं रहा। उस समय इंडिया जो है अपना फिनिश किया और एक फिफ्थ पोजीशन पर अपना फिनिश किया। और 2014 के बाद में 2018, हाँ आपको ध्यान इसमें एक और चीज़ रखने की बात है कि जो कॉमनवेल्थ गेम होता है हर 4 साल के बाद होता है। तो 2010 में इंडिया में हुआ था, 2014 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, और 2018 में हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड जहाँ पे कि गोल्ड कोस्ट पे हुआ, और 2022 के लिए जो आने वाले दिनों के लिए डिसाइड किया गया है वो किया गया है डर्बन में जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो इन सारे चार साल पे इसको गेम को ऑर्गेनाइज किया था और 2028 के लिए इसका बीड चल रहा है। तो इसका इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो गेम है, जो कॉमनवेल्थ गेम, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस 2014 में फिफ्थ था, लेकिन 2005 था, उसके साथ साथ 64 मेडल जीत पाया था इंडिया। और 2018 की बात करें तो इंडिया जो है इसमें थर्ड पोजीशन पर रहा ही, उसके साथ साथ 68 मेडल जीता जिसमें से 26 गोल्ड मेडल था। और इंडिया का परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली माना जाएगा कि बहुत ही बेहतर है। तो इधर 3 साल से देखा जाए, 2010, 14 और 2018 में कॉमनवेल्थ में इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी रोचक जानकारी, कौन कौन से प्लेयर्स हैं और कौन कौन से गेम में गोल्ड मेडल आया, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। जो 21वां कॉमनवेल्थ गेम था, 21st कॉमनवेल्थ गेम, जो कि क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें इंडिया 66 मेडल जीता जिसमें से 26 जो है, 26 जो है वो गोल्ड मेडल है। सबसे ज़्यादा जो मेडल आया वो आया शूटिंग से ही 16 मेडल अकेले आया, जिसमें से 7 मेडल जो है गोल्ड मेडल है। और इंडिया जो है अपना थर्ड पोजिशन पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, यानी थर्ड बेस्ट टीम रहा कॉमनवेल्थ गेम 2018 का। अगर इसमें हम देखें तो टोटल 18 स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया था, 18 टाइप्स के स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था। 7 जो था पारा स्पोर्ट्स था, और टोटल जो 10 था वो मेन कोर स्पोर्ट्स के रूप में गिना जाता है, मेन गेम के रूप में गिना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया, ऑस्ट्रेलिया में 5th टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था। टोटल 275 गोल्ड मेडल्स था। और इस बार जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, यानी वुमेन्स एंड मेन्स के लिए
इक्वल मेडल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इक्वल मेडल रखा गया था। और इस बार टोटल 71 नेशंस यानी 71 देश इस बार भाग लिए और अपना गेम को परफॉर्मेंस किए। गाम्बिया एक ऐसा देश था जो कि कॉमनवेल्थ से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर वापस कॉमनवेल्थ गेम में आया और इस बार 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया। अगर हम लोग उसमें प्लेयर्स को देखें तो सबसे पहले देखते हैं शूटिंग में, तो शूटिंग में टोटल गोल्ड आया, 7 गोल्ड आया और 4 सिल्वर आया और 5 ब्रॉन्ज मेडल आया। गोल्ड में देखा जाए तो हिना सिंधु जो कि वीमेंस का 25 मीटर एयर पिस्टल में है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा मनु भाकर गोल्ड मेडल जीता वीमेंस का 10 मीटर एयर पिस्टल में। संजीव राजपूत मेंस का 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में जीता। जीतू राय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना, जीतू राय गोल्ड मेडल जीता मेंस का 10 मीटर एयर पिस्टल पे। अनीस श्रेयसी सिंह और तेजस्विनी सावंत तो इन सारे लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। वीमेंस का डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह गोल्ड मेडल जीता, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है सिल्वर मेडल जो है सिंधु के ही नाम आया 10 मीटर एयर पिस्टल में। माहुली घोष, तेजस्विनी सावंत, अपूर्वा चंदेला, ओम मित्रवाद, रवि कुमार, अंकुर मित्तल, तो ये सारे लोग जो हैं ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लिए। यानी इंडिया की तरफ से जो शूटिंग में आया वो 7 गोल्ड मेडल आया। रेसलिंग में देखें, अगर हम लोग कुश्ती में देखें तो 5 गोल्ड मेडल आया, 3 सिल्वर मेडल आया, 4 ब्रॉन्ज मेडल आया। सुशील कुमार गोल्ड मेडल जीता मेंस का फ्री स्टाइल 74 kg में। विनेश फोगाट जो फोगाट सिस्टर हैं, तो विनेश फोगाट उन्होंने गोल्ड मेडल जीता वीमेंस का फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम में। राहुल अवर ये गोल्ड मेडल जीता फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में। बजरंग पुनिया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 65 किलोग्राम में। सुमित इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस फ्री स्टाइल में। तो इतने सारे जो हैं, उसके अलावा देखें तो बबीता कुमारी सिल्वर मेडल जीती। साक्षी मलिक इस बार जो है परफॉर्मेंस उनका थोड़ा लो रहा और ब्रॉन्ज मेडल जीती। अब हम लोग देखते हैं वेट लिफ्टिंग में टोटल 5 गोल्ड मेडल आया, 2 सिल्वर मेडल आया और 2 ब्रॉन्ज मेडल आया। गोल्ड मेडल में देखा जाए तो एसएम चानू यानी सैखोम मीराबाई चानू उन्होंने गोल्ड मेडल जीता वीमेंस का 48 kg वेट लिफ्टिंग में। और के एस चानू ने भी जीता गोल्ड मेडल वीमेंस का 53 kg में। वेंकट राहुल रागला गोल्ड मेडल जीता 85 kg में। और सतीश कुमार शिवलिंगम गोल्ड मेडल जीता 77 किलोग्राम में। पूनम यादव गोल्ड मेडल जीता वीमेंस 69 kg में। और विकास ठाकुर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता 94 kg में। बॉक्सिंग में अगर हम लोग देखें तो बॉक्सिंग में 3 गोल्ड मेडल आया, 3 सिल्वर मेडल आया और 3 ब्रॉन्ज मेडल आया। इसमें जो बॉक्सिंग में देखा जाए तो गोल्ड मेडल जो आया मैरी कॉम जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं, तो एमसी मैरी कॉम उनका गोल्ड मेडल आया 45 से 48 किलोग्राम में ये खेलती हैं और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। विकास कृष्णन उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता मेंस में 75 kg में। उसके अलावा गौरव सोलंकी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 52 किलोग्राम में। अमित सिल्वर मेडल जीता, सतीश कुमार सिल्वर मेडल जीता, मनोज कुमार जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीते। उसके अलावा देखिए टेबल टेनिस में, तो टेबल टेनिस में टोटल 3 गोल्ड मेडल आया, 2 सिल्वर मेडल आया और 3 ब्रॉन्ज मेडल आया। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया इसमें मेंस टीम, इंडिया का जो मेन टीम है वो भी गोल्ड मेडल जीता। अब इंडिया का जो वीमेंस टीम है वो भी गोल्ड मेडल जीता टेबल टेनिस में। उसके अलावा देखें तो मनिका बत्रा उन्होंने वीमेंस सिंगल खेला टेनिस में और गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा देखें तो जो वीमेंस डबल था उसमें इंडिया सिल्वर मेडल जीता, मनिका बत्रा और मौमा दास ने खेला था। उसके अलावा इसमें अगर हम लोग अब जाएँ तो बैडमिंटन में देखते हैं, बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल आया, 3 सिल्वर मेडल आया और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया। बैडमिंटन में देखा जाए तो इंडिया का जो मिक्स्ड टीम भी गोल्ड मेडल जीता। साइना नेहवाल इस बार फिर से गोल्ड मेडल जीती वीमेंस सिंगल में और साइना नेहवाल का जो मैच हुआ था पीवी सिंधु के साथ हुआ था, तो इतना तो फिक्स था कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों इंडिया में ही आएगा। तो इस बार जो है साइना नेहवाल ने गोल्ड मेडल जीता और पीवी सिंधु जो है हार गई और पीवी सिंधु सिल्वर मेडल वीमेंस का सिंगल में जीती। के श्रीनाथ यानी किदाम्बी श्रीनाथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेंस का सिंगल में, पुरुष का सिंगल में। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इस बार जो टेनिस बैडमिंटन का जो परफॉर्मेंस था वो भी कुल मिला के बहुत अच्छा था। एथलेटिक्स में देखा जाए तो 1 गोल्ड मेडल आया, 1 सिल्वर मेडल आया, 1 ब्रॉन्ज मेडल आया। नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस का जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में,
इन्होंने गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सीमा पुनिया जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता वुमेन्स डिस्कस थ्रो में, और नवजीत ढिल्लन जो है इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन्स डिस्कस थ्रो में। तो सीमा पुनिया, नीरज चोपड़ा, आपको ये सब को माइंड में रखना होगा। स्क्वैश में बात करें तो स्क्वैश में 2 सिल्वर मेडल आया। स्क्वैश के जो इंडिया में जो प्लेयर है वो है दीपक पालीकाल, सौरव घोषाल, ज्योत्सना चिनप्पा, तो ये सारे प्लेयर जो है इंडिया में स्क्वैश के रहे हैं। दीपक पालीकाल और सौरव घोषाल ये दोनों मिलकर मिक्स्ड डबल में, दीपिका पालीकाल और सौरव घोषाल सिल्वर मेडल जीता है मिक्स्ड डबल्स में, और ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पालीकाल वीमेंस का डबल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो इस तरह से कहा सकता है कि स्क्वैश में सिल्वर मेडल 2 जीता गया। अगर हम पारा पावर लिफ्टिंग की बात करें तो पारा पावर लिफ्टिंग यानी पारा ओलंपिक वाला यानी पारा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ, तो पारा पावर लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल आया सचिन चौधरी का, इन्होंने मेंस का हेवी वेट में जीता। तो इतने सारे जो कुछ कुछ जो अवार्ड है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा और उनके मेडल्स को आपको याद रखना होगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना होगा कि टोटल इस बार इंडिया कितना मेडल जीता, इंडिया का पोजीशन क्या रहा, कितना गोल्ड मेडल रहा, बस इतना आपको ध्यान में रखना। अगला कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो अगला हो रहा है डर्बन में। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कुछ आपको लगता है इसमें सुधार किया सकता है, तो आप जरूर कमेंट करें। ओके, बाय बाय।